alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today, we will discuss respiration and its first type that is aerobic respiration. So, let's start our topic. Students, apne last lecture, we explained the role of chlorophyll and light in the process of फोटोसिंथेसिस और साथ ही साथ हमने फोटोसिंथेसिस के जो लिमिटिंग फैक्टर्स थे उनको भी एक्सप्लेन किया जिसमें हमने आपको बताया कि प्लांट्स में क्लोरोफिल ए बी और कुछ कैरटीनाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं पिगमेंट्स अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये अरेंज होकर क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उन क्लस्टर्स को हम कहते हैं फ़ोटो सिस्टम लाइक like हमने एग्ज़ाम्पल दी कि प्लांट्स में फ़ोटोसस्टम वन और फ़ोटोसिस्टम टू जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं इसके अलावा हमने बात की कि जो क्लोरोफिल है वो मेजरली ब्लू और रेड लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है फिर हमने बात की लिमिटिंग फैक्टर्स की जिसमें हमने देखा टम्परेचर लाइट इंटेंसिटी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कहा कि इन फैक्टर्स की अमाउंट इंक्रीज करने से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होता है अप टू सर्टेन लिमिट मतलब कि एक लिमिट तक जो इंक्रीज है उस इंक्रीज की वजह से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गई बियॉन्ड दैट लिमिट फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी इंक्रीज साथ ही साथ हमने आपको एक एडिशनल पॉइंट भी बताया हमने कहा नंबर ऑफ स्टोमेटा जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही मैक्सिमम गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ कर सकेंगी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होगा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेस्पायरेशन और इसकी फर्स्ट टाइप दैट इज एरोबिक रेस्पायरेशन आज के हमारे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज में, में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं इनको ब्रेक किया जाता है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल डेली लाइफ से हम जो है वो लेते हैं और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन करने से पहले जो फ्यूल्स हैं लाइक पेट्रोल है वुड like है, है अब इनकी जो बर्निंग है बर्निंग के प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी हम कहते हैं कि जो फ्यूल्स हैं हमारे पास जब इनकी बर्निंग होगी तो दो तरह की जो एनर्जीज हैं वो प्रोड्यूस होती है एक हमारे पास है लाइट एनर्जी और दूसरा जो है हमारे पास वो है हीट एनर्जी अब इसी से मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो है रेस्पायरेशन मींस रेस्पायरेशन में भी जब फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है अब जब फोसल फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है जो फॉसिल फ्यूल्स में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये बॉन्ड्स जो हैं इनकी ब्रेकडाउन होती है यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और जब भी कोई केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज होती है अब हम देखते हैं कि जो रेस्परेशन है इसमें एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने कहा कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लाइट और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है हमने कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और उस पर जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हमने कहा कि वो थायलाकोइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा दैट इज़ अ फ्लूड ये इन्वॉल्व होते हैं अब फोटोसिंथेसिस को अगर हम इन शॉर्ट कहें तो इसमें प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं फूड प्रिपेयर करते हैं और ये जो फूड है ये मोस्टली ग्लूकोज की फॉर्म में होता है जिसको हम सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स फार्मूला से भी रिप्रेजेंट करते हैं अब ये जो ग्लूकोज़ है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं अब रेस्पारेशन के प्रोसेस में इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज होगी और एनर्जी रिलीज़ होगी उस एनर्जी को फिर फर्दर जो है ऑर्गेनिज़म्स यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ है वो एक स्पेशलाइज मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी जिसको हम कहते हैं एटीपी यानी एटीपी जो है इसको हमने कहा कि ये एनर्जी क्रंसी ऑफ द सेल है अब इसका क्या मतलब है एनर्जी क्रंसी ऑफ द सेल्स मीन्स कि जितनी भी सेल्स में एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है ए कंस्ट्रक्ट की जाती है बाय द ब्रेकिंग ऑफ फूड मालिक्यूल्स और फिर इस ए को यूटिलाइज किया जाएगा लाइक like ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है मेंटेनेंस है ये सारी की सारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं इसमें एनर्जी जो चाहिए वो इस ए से प्रोवाइड की जाएगी ए के स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि स्पेशलाइज फॉस्फेट लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने रिप्रेजेंट किया था एक सिंबल से जस्ट लाइक दिस इसको हमने कहा था ये जो सिंबल है ये टिल्डा है अब जब ये फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को फिर फर्दर यूटिलाइज किया जाता है ये जो फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अब रेस्पारेशन का जो प्रोसेस है उसपे फूड मॉलिक्यूल्स के जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है सेल लेवल पे यानी ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग है ये सेल के अंदर होती है क्योंकि ये सेल लेवल पे फिनोमिना परफॉर्म किया जा रहा है इसी वजह से इस इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं हम कहते हैं कि सेलुलर एस्पारेशन में जो फूड में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करेंगे और इनकी जो ब्रेक ब्रेकिंग है वो इनसाइड सेल होती है सेल के अंदर अब अगर ह्यूमंस की बात की जाए हमारे पास एग्जाम्पल है ह्यूमंस की ह्यूमंस के सेल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनालिस्ट प्रेजेंट हैं हम चैप्टर नंबर फोर में भी इन ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ चुके हैं लाइक एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम माइटोकोंड्रिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स राइबोसोम्स सेल मेम्ब्रेन ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेल की ऑर्गेनेलिस हैं अब सेल के अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पेशलाइज इंजाइम्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में इन्वॉल्व होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज में जो कि फूड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं लाइक like हमारे पास जो है ग्लूकोज अब हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक कैसे किया जाता है इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है ह्यूमंस के केस में हम कहते हैं कि जो रेस्पायरेशन है इसकी टू टाइप्स हैं फर्स्ट जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन और दूसरी जो है हमारे पास वो है एन एरोबिक रेस्पायरेशन अब इन दोनों रेस्पायरेशन की टाइप्स को अगर देखा जाए तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन को एरोबिक रेस्पायरेशन में जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं एरोबिक रेस्पायरेशन में फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होना जरूरी है हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का प्रोसेस है अब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्रोवाइड की जाती है हम कहते हैं एयर से अगर ह्यूमन बींग्स की ही एग्जाम्पल को देखा जाए तो हम भी फूड मॉलिक्यूल्स को एयर की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं अब ये जो एयर है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए अल्टीमेटली जो है वो लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एलव्यूलाई इन एलव्यूलाई में जब एयर पहुंच जाती है तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आ जाती है यानी ब्लड में चले जाएगी और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्बुलाई में बेच दी जाती है और वहाँ से फिर हम एक्सपायरेशन के थ्रू उसको बॉडी से रिलीज कर देते हैं तो इस तरह से ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं अब इस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाएगा ग्लूकोज में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन्स जो हैं वो ग्लूकोज कहाँ से लेते हैं तो हम कहते हैं फूड से यानी हमारे जो फूड हैं उनमें डिफ़रेंट तरह के मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स और लाइक लिपिड्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं अब ये वाला जो प्रोसेस है ये होता है स्टमक से यानी स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्बशन होती है और फूड की डाइजेशन होती है यहाँ से हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज हमारी ब्लड में या ब्लड कैपलरीज के थ्रू ब्लड में चला जाता है और वो हर एक सेल को प्रोवाइड किया जाता है अब हमारे पास दोनों जो रिक्वायर कंपोनेंट्स हैं लाइक एक ग्लूकोज और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन अब ये दोनों प्रेजेंट हैं अब हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो ग्लूकोज है इसमें प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉर्ड्स को कैसे ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ब्रेक होता है यानी इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है अब ये जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ए इसको सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है अब ये जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का प्रोसेस है ये डिफरेंट स्टेप्स में होता है सबसे पहले जो ग्लूकोज है इसको ब्रेक किया जाता है पायरोवेट में पायरोवेट जो है ये थ्री कार्बन कंपाउंड्स हैं यानी इसमें टोटल जो कार्बन होते हैं वो थ्री होते हैं और ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें टोटल सिक्स कार्बन प्रेजेंट होते हैं अब ये जो हमारे पास पायरोवेट आया इसमें थ्री कार्बन हैं मीन्स के टू जो पायरोवेट हैं वो एक ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक करके प्रोड्यूस किए जाते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलासिस मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन लाइसिस का लफ्स जहाँ भी आएगा स्टूडेंट्स इसका मतलब है ब्रेक डाउन अब ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ब्रेक करके पायरोवेट प्रोड्यूस किया गया अब इस पायरोवेट को नेक्स्ट क्रप साइकिल क्रप साइकिल के थ्रू ब्रेक किया जाएगा यानी ये जो पायरोवेट है अब ये एंटर हो जाएगा एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं क्रप साइकिल अब इसकी फर्दर जो ब्रेकडाउन है वो इस क्रप साइकिल के थ्रू होगी और एंड पे जो है हमारे पास प्रोड्यूस होंगे एटीपी के मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करके यानी उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है उस होने के बाद टोटल जो हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो हैं थर्टी सिक्स यानी हमारे पास थर्टी सिक्स जो एटीपीज़ हैं ये ग्लाइकोलिसिस से लेकर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से लेकर यहाँ से यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ एंड तक क्रप साइकिल के थ्रू जब ग्लूकोज में प्रेजेंट हर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई तो हमारे पास कितने हैं थर्टी सिक्स ए टी पीज है इसको एरोबिक रेस्पारेशन को हम कंप्लीट ब्रेकडाउन भी कहते हैं हम कहते हैं कंप्लीट कम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ गूकोज़ एरोबिक रेस्पायरेशन में तो यहाँ तक तो हमने देखा रेस्पायरेशन को और इसकी जो फर्स्ट टाइप है एरोबिक रेस्पायरेशन हमने बताया कि ह्यूमन्स की एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑक्सीजन कहाँ से गेन की जाती है ग्लूकोज कहाँ से गेन किया जाता है और फिर इसको ब्रेक करके इसमें से एनर्जी किन प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट की जाती है जी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने रेस्पायरेशन को देखा हमने कहा कि रेस्पारेशन जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं फिर हमने देखा कि रेस्पायरेशन की टाइप्स हमने बात की एरोबिक रेस्पायरेशन की और एनारोबिक रेस्पायरेशन की हमने जो आज टाइप डिस्कस की वो थी एरोबिक रेस्पायरेशन मीन्स जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे एनर्जी जनरेट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने कहा कि इसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जितने भी बॉन्ड्स हैं कार्बन हाइड्रोजन उन सब ब्रेक ब्रेकडाउन हो जाती है इसको हमने कंप्लीट डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहा या इसको हम कंप्लीट रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकल्स में उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप भी है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं ह्यूमंस में ये फिनोमिना भी होता है इन शॉर्ट एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक करता है तो टोटल 36 सिक्स ए जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो एंड पर नेट बच जाते हैं आपके पास ये तो था स्टूडेंट्स हमारा एरोबिक रेस्पारेशन का और ओवरऑल रेस्पारेशन का टॉपिक आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट रेस्पारेशन एंड इट्स फर्स्ट टाइप दैट इज एरोबिक रेस्पारेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट रेस्पारेशन एंड इट्स फर्स्ट टाइप दैट इज एरोबिक रेस्पायरेशन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाफिज़